एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। व्हाट आर द नंबर्स? देखो, क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आपको समझ में आया तो, और अगर आप इस क्वेश्चन को बार बार अगर पढ़ने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन का लॉजिक आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, एक एक सेंटेंस को देखते हैं। पहला दिया है, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक नंबर है, ठीक है, उसका 5 टाइम्स दूसरा नंबर है। अब आप यहां पर ध्यान देना, ये दो नंबर के बारे में जो बोल रहा है, इन दोनों का आपस में ना एडिशन है, ना सब्ट्रैक्शन है, ना मल्टीप्लिकेशन है, ना डिवीजन है। ठीक है, अब ध्यान दो, दो नंबर के बारे में बात कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि उन दोनों का आपस में कोई एडिशन हो रहा हो या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। तो इससे एक चीज क्लियर हो जाता है कि एक नंबर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा और दूसरा नंबर राइट हैंड साइड में आएगा। ठीक है, तो दो नंबर है, जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर का 5 टाइम्स है। उसके बाद बोला है, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, यानी कि लेफ्ट साइड में भी 21 ऐड होगा और राइट साइड में भी 21 ऐड होगा, तब क्या होगा? देन द वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स द ट्वाइस ऑफ द अदर न्यू नंबर। अब न्यू नंबर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, न्यू नंबर दोनों ही न्यू नंबर है, क्योंकि दोनों ही नंबर हमारे लिए अननोन है। ठीक है, तो दो नंबर हमको अज्यूम करना है, जो भी हम अज्यूम करेंगे वो दोनों हमारे लिए न्यू नंबर है, उसमें 21 21 दोनों में ऐड कर लेना है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो दूसरा नंबर है, ठीक है, जो भी दूसरा नंबर होगा वो एक नंबर के पहले नंबर से या जो भी नंबर है उसका ट्वाइस है, यानी कि 2 टाइम्स है। व्हाट आर द नंबर्स? तो वो दोनों नंबर कौन से हैं? तो ये जो ट्वाइस वाला जो लॉजिक है इसको मैं आपको समझाता हूं। देखो, सपोज एक नंबर 4 है और दूसरा नंबर 2 है, तो ये बताओ 4 जो है वो 2 का ट्वाइस होगा, 2 टाइम्स होगा। ठीक है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको इक्वल करने के लिए, क्योंकि इक्वेशन बनाना है तो कंडीशन इक्वल होना चाहिए, यानी कि इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। तो 2 को जो है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब 4 = 4 आएगा, यानी कि जो छोटा नंबर है उसको ट्वाइस करना पड़ेगा तब बड़े वाले नंबर के इक्वल आएगा। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया आपको तो अपन इक्वेशन इजिली फॉर्म कर सकते हैं। चलिए इसको व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमको दो नंबर फाइंड आउट करना है और उनका हिंट दिया है कि जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर का 5 टाइम्स है। पहला नंबर ले लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। तो जो दूसरा नंबर होगा वो कौन सा नंबर होगा? एंड अनदर या अदर नंबर इज इक्वल्स टू पहले नंबर का 5 टाइम्स 5x है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर इन दोनों नंबर में 21 21 ऐड कर दिया जाए तो 21 कैसे ऐड होगा? अगर इसमें 21 ऐड करेंगे तो होगा x प्लस 21, और अगर इसमें 21 ऐड करेंगे तो ये होगा 5x प्लस 21। ठीक, इतना ऐड करने के बाद, अब ये दोनों न्यू नंबर है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि अननोन है तो दोनों नए नंबर है हमारे लिए। 21 तो पुराना हो गया क्योंकि 21 दोनों के साथ में है, x और x के बारे में हमको पता नहीं है। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि इन दोनों में से एक ऐसा नंबर है जो दूसरे वाले नंबर का ट्वाइस है। अब आप ये बताओ, अगर इधर 2 लिखा है और इधर 4 लिखा हुआ है, ठीक है, ये इक्वल का साइन है, तो ये बताओ ये इक्वेशन है तो ये बैलेंस कब होगा? जब LHS और RHS इक्वल होंगे तब इक्वेशन बैलेंस होगा। अब LHS को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका ट्वाइस होगा। ठीक है, ये जो 2 है इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 2 × 2 करेंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो गया हमारा, यानी कि जो छोटा वाला नंबर है वो जो बड़ा वाला नंबर है वो छोटे वाले नंबर का डबल है। तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए इस साइड 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर देखो, एक्स जो है 5x से छोटा है, ठीक है, 5x से x छोटा है, 21 तो दोनों साइड में है, 5x और x में 5x बड़ा है, x छोटा है, जो 2 है वो यहां मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये वाला जो नंबर है इस नंबर का ट्वाइस है, सॉरी ये वाला जो नंबर है इस नंबर का ट्वाइस है, इसलिए 2 को यहां पर मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों इक्वेशन आपस में बैलेंस हो जाएंगे। यहां ध्यान दो, 4 बड़ा था 2 छोटा था, तो 2 को अगर इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तब ये दोनों इक्वेशन बैलेंस होंगे। यहां पर भी हम बोल सकते हैं इन दोनों में बड़ा वाला नंबर छोटे वाले नंबर का ट्वाइस है, तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए इस साइड 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है,
अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 2 का मल्टीप्लिकेशन x से भी होगा, 21 से भी होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है। तो ये हो गया 2x प्लस 2 इंटू 21 हो गया 42 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 21। अब इक्वेशन हमको मिल गया है। जो वेरिएबल टर्म्स है उसको लेफ्ट साइड ले आते हैं, जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x। 5x जो है पॉजिटिव है, प्लस में है, अगर लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस होगा। माइनस 5x इज इक्वल्स टू 21 एज इट इज, या फिर नेक्स्ट स्टेप में 42 को ट्रांसफर करेंगे, 42 इज इक्वल्स टू 21। ठीक, अब 42 को राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो ये होगा 2x माइनस 5x इज इक्वल्स टू 21 माइनस 42। 42 यहाँ प्लस में था, राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ 2 और 5 में 5 बड़ा है, और एडिशन यहाँ पर दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि 2 प्लस में 5 माइनस में, 5 माइनस 2 हो गया 3x, क्योंकि 5x बड़ा है तो साइन माइनस का लगेगा, ये हो गया माइनस 3x इज इक्वल टू 21 माइनस 42। माइनस करोगे तो 21 आएगा, 42 बड़ा है तो इसका साइन लेंगे माइनस 21। तो यहाँ अब दोनों के पास, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोनों सिंगल सिंगल टर्म अगर रहेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में एक ही टर्म बचा है, राइट हैंड साइड में भी एक ही टर्म बचा है, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ बच गया 3x इज इक्वल टू 21। एक्स जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए 3 को जब राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 के टेबल से 27 डिविजिबल है, 21 7 टाइम्स में एक्स का वैल्यू आ गया 7, यानी कि जो फर्स्ट नंबर है वो 7 है और जो दूसरा नंबर है वो 5 × 7, 5x है तो 5 × 7 हो गया 35। तो ये वो दो नंबर है जो हमको फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 2.4 का सेकेंड क्वेश्चन।